व्यक्ति की दो पत्नियां थी। दोनों पत्नियां अलग अलग रहती थी, एक ग्राउंड फ्लोर में और एक ऊपर, और अलग अलग दिन उनके यहां भोजन करने जाता था। बारी फटी हुई, एक दिन भूल करके वो जाना नीचे था, लेकिन वो भूल से ऊपर की सीढ़ी चढ़ने लगा, जहां पत्नी इंतजार कर रही थी उसने देखा आज कोई ऊपर जा रहा है, और उधर ऊपर वाली पत्नी जो थी उसको जब पता पड़ा ये ऊपर आ रहे हैं, तो नीचे वाली में जाकर के उनके पैर पकड़े, और थोड़ा जब ऊपर चढ़ चुके थे तो ऊपर वाली ने वहां से उनके हाथ पकड़े। अब दोनों जो है वहां पर उसको खींच रहे हैं। हालत कैसी हुई होगी, ये तो एक केवल रूपक है। वास्तव में पांचों इंद्रियों के विषय सब तरफ से जो है चेतना को खींचते हैं, और उसमें कभी कोई दृश्य देखने के लिए बाजे बज रहे हैं तो व्यक्ति अपने छत से जो है झांकने लगते हैं, कभी गंध आती है तो किचन में पहुंच जाते हैं, कभी कोई दृश्य देखने के लिए टेलीविजन मोबाइल पर लग जाते हैं, और रस्ता के विषय को प्राप्त करने के लिए होटलों और पार्टी में पहुंच जाते हैं। पांचों इंद्रियों के विषयों के बारे में राजा श्री अमोघ वर्ष ने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में प्रश्न वहां पर रखा, केचन दस्य वह दस्य यानी लुटेरे होते हैं, लुटेरे कौन है? तो उन्होंने उसके उत्तर में लिखा विषया, पांचों इंद्रिय के विषय लुटेरे हैं, और जो अपनी चेतना को हमेशा लूटने के लिए तैयार करे, जहां सबसे ज्यादा आंखों का प्रयोग होता है, उसी के साथ साथ में रसना इंद्रिय के भी वशीभूत प्राणी ज्यादा होता है। आजकल के जमाने में फास्ट फूड की भरमार है, बहुत सारे ऐसे जो है पैकेट्स आते हैं जिनको बच्चे लोग खोल खोल करके खाते रहते हैं, और वो जो है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ऐसी सामग्री भी मिश्रित करते रहते हैं जिससे कि बच्चे उसके एडिक्ट बन जाते हैं, और बार बार उनको खाने के लिए जो है उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, पढ़ने के बीच में भी जो है वहां पर खाने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न होती है। हम पिछला चतुर्मास जगपुरा में कर रहे थे, वहां पर बहुत सुंदर तालाब संत भवन के पीछे है, और बहुत मनोज्ञ दर्शन वहां पर महादृश्य के माध्यम से होते थे। जब कभी बीच में उठते थे तो उस समय में उधर पीछे जो है दृश्य देखने का मन हो जाता था, और उसमें वहां पर पीछे तालाब के पीछे कुछ स्थान भी था, तो वहां देखते थे कि एक लड़का बहुत बार जो है वहां पर आता था, और बस जेब में हाथ डाले और पाउच निकाले और फिर जो है फाड़ करके खा ले, फिर दूसरा तीसरा लगातार जो है पाउच में से जो है वो खाने
खाने की सामग्री खाता रहे, और वो जो सामग्री जब खरीद करके खाई जाती है तो उसके माध्यम से वो चूंकि बेचना चाहते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा देखिए उनका ज्यादा मुनाफा हो, इसलिए उस सामग्री को जब कोई भक्षण करता है तो उसके अंदर भी जो है मनी माइंडनेस आ जाती है, वो भी केवल पैसा पैसा देखता है। उसका मित्र भी साथ में रहता था वहां पर, लेकिन वो जो है उसके साथ में शेयर नहीं करता था, अपने आप अकेला बात तो उसे कर रहा है लेकिन अकेले अकेले खा रहा है। क्या क्या सामग्री जो खाने योग्य भी नहीं है वो भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। मैगी के बारे में कहते हैं कि बिना मांग के तो चल सकता है लेकिन मैगी के बिना नहीं चलता, ऐसा भी जो है एड उसमें आने लगे हैं। और उसमें जो लोग मैगी खाने वाले हैं जिसमें कि कुछ ऐसे भी फ्लेवर आते हैं जिसमें कि मांसाहार रहता है, और उन्होंने शाकाहार के भी फ्लेवर को खाकर के ये बताया कि दोनों के स्वाद में कोई भी अंतर नहीं। इसका मतलब है कि जो शाकाहार भी खा रहे हैं उनके लिए भी यदि वहां पर मांसाहार परोसा जा रहा हो तो उसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं। अमेरिका में एक जैन व्यक्ति जो मैकडॉनल्ड्स पर बीफ जो है चीज खाता था, लेकिन एक दिन उसको खाते समय में स्वाद कुछ अलग लगा और उसने जब परीक्षण किया तो पता पड़ा कि शाकाहार की जो चीज दे रहे हैं उसमें भी मांसाहार। तो ये जो है रसना इंद्रिय के विषय अपनी चेतना को खींचते हैं, वहां पर बच्चे जो है एक के बाद एक उसमें लगे रहते हैं, उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता। आइसक्रीम के लिए भी बच्चा दिल कर रहा है, बच्चे को सर्दी हुई है, यदि उस समय में उसको आइसक्रीम दी जाए तो उसके रोग में वो वृद्धि करने वाली हो। माँ यदि उसके लिए यदि एक थापड़ मार दे कि इससे बच्चा जितना करे, उस समय में उसके लिए और पीड़ा होगी और भी वो जो है मचलेगा, हो सकता है उससे जो है ना ले। तीसरा उसके लिए कि उसकी जगह पर आइसक्रीम की जगह पर कोई दूसरी चीज जो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए हित कर लेने प्रदान की जाए तो वो जो है उससे मान जाए। और चौथा तरीका है उसको आइसक्रीम के बारे में बोलकर बता करके कि इसके लेने से तुम्हारे लिए हानि होगी, यदि वो उसको अपनी इच्छा से छोड़ता है तो वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। यहाँ पर चार जो है प्रक्रम है, एक यदि उसका वो भक्षण कर लेता है तो वो भोग है, यदि उसको मार करके रोका जाता है या अपनी इच्छाओं को मार करके रोका जाता है तो वो श्रवण है, और जहां यदि उसको जो है परिवर्तन किया जाता है तो वो डाइवर्जन के माध्यम से यदि किया जाता है तो वो भी एक श्रेष्ठ तरीका है भक्ति के माध्यम से भोगों से विरक्ति करने का। और चौथा जिसमें की समझा करके कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये ज्ञान योग। तो इस प्रकार से यदि हम उन भोगों से अपने आप को बचाना चाहें तो उसके माध्यम से इन प्रक्रमों के माध्यम से हम अपने आप को उन भोगों के आकर्षण से बचा सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंद्रियों का विषय रूप में आता है वो नेत्र इंद्रिय के माध्यम से, पांचों इंद्रियों में से सबसे ज्यादा है 83% जिसका प्रयोग रिसर्च के माध्यम से हुआ है, उनमें उनके विषयों के माध्यम में आजकल की जो पीढ़ी है सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रही है तो वो मोबाइल टेलीविजन आदि के माध्यम से। कैसी स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है क्योंकि इनके माध्यम से चार चीजों पर सबसे ज्यादा उठारा खाक हो रहा है,
एक है सबसे पहला संवेदनहीनता। संवेदनाएं रहती थी किसी के दुख को देख करके, अब इनके माध्यम से लोग संवेदनहीन होते जा रहे हैं। जहां कहा जाता है कि जान के पैर ना फटी दिवाई, दुखा जाने तीर पर आई। एक शॉप पर जहां पर डॉग्स बेचते थे, वहां पर एक लड़का पहुंचा और उसको भी कोई डॉग खरीदना होगा, तो उसने वहां पर छोटे छोटे पैट्स वहां पर थे, उनको देखते देखते एक जो पिल्ला था वो अलग से रखा हुआ। उसने पूछा कि इसकी कितनी कीमत है, तो उसने कहा कि ये बिकाऊ नहीं है। कहा क्यों? क्योंकि बताया कि उसका जो है पैर टूटा हुआ है। तो उसने पूछा इसका क्या करोगे, तो दुकानदार कहता है कि इसमें इंजेक्शन लगाएंगे और ये हमेशा के लिए सो जाए। उस लड़के को जो है मन में पीड़ा हुई, उसने कहा आप इसको हमें नहीं दे सकते। मैंने कहा ना बिकाऊ नहीं है। तो उसने क्या क्या मैं इसके साथ थोड़ी देर खेल सकता हूं, तो उसने कहा हाँ खेल सकते हो। उसके साथ में खेलने लगा, तो वो जो है जिस पैर में उसका जो पीड़ा थी, पैर टूटा हुआ था, जब उसके साथ में खेलने लगा, उसको फुलाने लगा, तो उस पिल्ले ने अपना पैर जो है उसके आमने सामने कर दिया, जैसे बता रहा हूं कि हमारे पैर में पीड़ा है, टूटा हुआ। खेलते खेलते उसकी मन में बहुत जो है करुणा का भाव उत्पन्न हो गया और उसने कहा कि अंकल प्लीज इसको जो है ना बेच दो ना। उसने फिर मना किया, फिर बार बार वो लगा रहा, तो उसने कहा कि मालूम है कितने पैसे का है? तो उसने कहा बताइए कितने का है। तो उसने सोचा कि इसकी जब इसमें आसक्ति पड़ चुकी है, तो उसने रेट बता करके बताया। उसने कहा अंकल मेरे पास अभी इतने तो नहीं है, अभी आप इतने रखो, लेकिन प्लीज इसको इंजेक्शन मत लगाना, मैं अभी घर से और लेकर के आता। और उठा जाकर के दौड़ लगा करके जाता है, पैसे लेकर के आता है और उसको पेमेंट करके कहता है कि मैं इसको ले जाना चाहता हूं। तो वो दुकानदार पूछता है उससे कि तुमने इतने अच्छे अच्छे और जीवन को छोड़कर के इसको क्यों चुना? तो उस समय में वो अपनी जो लेकर पहना हुआ था बड़ी पैंट जो है पूरा पैर ढके हुए, उसको खींच करके उसने बताया उसका पैर भी जो है टूटा हुआ था, वहां पर एक नकली पैर लगा हुआ। तो यहां पर कि जिसके लिए पीड़ा होती है वो दूसरे की पीड़ा की अनुभूति करता है, लेकिन नई जनरेशन कुछ पीड़ा की अनुभूति नहीं है। पुराने लोग तो जीवन में बहुत सारे ऐसे जो है चीजों को देख चुके होते हैं, वो समझते हैं पीड़ा को, लेकिन नई जनरेशन में कोई पीड़ा की अनुभूति नहीं है। और उसके कारण में इन दृश्यों को और देख करके भोजन करते समय में टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और उसमें दृश्यों को देखते हैं जहां पर कोई किसी को मार रहा है, कहीं पर खून की जो है धाराएं बह रही हैं, फिर भी उसी के बीच बीच में जो भोजन कर रहे हैं। इसलिए जहां पर किसी की पीड़ा को देख करके लोग जो है अपने भोजन को छोड़ देते थे, लेकिन वहां फिर भी जो है भोजन आदि उनका यदि चल रहा है, इसका मतलब है उनकी संवेदनाएं धीरे धीरे नष्ट होती जा रही। और उसमें जहां पर भोजन करते थे तो उस समय में भोजन को देखते थे, भोजन को स्पर्श करते थे, भोजन की गंध लेते थे, और जहां भोजन जब मुख में जाता था तो बहुत सारी टेस्ट बड्स होती जिनके माध्यम से उनका स्वाद भी लिया जाता था, लेकिन सामने जो है मोबाइल देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, और उसके माध्यम से वो शरीर में जाकर के जो लाभ देना चाहिए वो नहीं दे रहा है, शरीर में विकृतियां उत्पन्न कर रहा है। डॉक्टर ने बताया कि इसके जो है पेट के अंदर से जो जूस पचाने के लिए सीक्रेट होते थे अब निकलना बंद हो गए, छोटे छोटे बच्चों की यह हालत है। और बच्चे उसमें फोटो पत्रों डोरेमोन नाना की चीजें देखते हैं और उसमें देखते समय में इतने तकलीफ हो जाते हैं कि जो नेचर स्पॉट होते हैं नवोश
वर्षों पहले मरीनी में एक बच्चा ऐसा जो है बीमार से ग्रसित हो गया कि जो है उसकी जो है यूरिन बंद ही नहीं हो रही, छोटी 3 साल का बच्चा। ऐसे कई केस जो है इस मोबाइल आदि के एडिक्ट केस के छोटी सी उम्र में उनके लिए कारण बने। जब पबजी आदि ऐसे गेम खेलते हैं और उस समय में इंटरनेशनल जो है खिलाड़ी ढूंढना पड़ते हैं तो रात में बच्चा खेलता है, और जब वहां पर उनमें लगे रहते हैं तो जो प्राइवेसी में कोई दखल करता है तो माता पिता के प्रति जो है बच्चे गुस्सा होने लगते हैं। उसमें एक चाइना का लड़का उस गेम को लगातार खेलते खेलते जहां पर लॉकडाउन के समय में मोबाइल पढ़ने के लिए जरूरी थी दी गई थी और उसमें जो लग गया 2 महीने तक लगातार खेलता रहा, और उस समय में एक बार तो ऐसा हुआ कि उसके जो है पैरालिसिस का जो है अटैक पड़ गया। 15 साल के बच्चे को पैरालिसिस का अटैक, क्योंकि एक ही हाथ से खेल रहे हैं और लंबे समय तक उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति वहां पर उसकी। तो ये जो है संवेदनहीनता के साथ साथ में अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जो है दृष्टि जो है बिल्कुल उसमें खत्म होती जाती है, जहां संवादहीनता भी होती जा रही है मोबाइल के प्रयोग के माध्यम से। घर में भी रहते हैं आपस में भाई लोग एक दूसरे को भी जो है व्हाट्सएप से जो है बात हो जाती है। उसने पूछा क्यों भाई तुमने जो हमने मैसेज दिया था घर में, अरे कहने उसके बाद में क्या होगा कि वो जो है किसी से जो है बातचीत चल रही थी तो हमने जो है उसको जो है देखा ही। घर में रहकर के भी जो है व्हाट्सएप पे जो है चर्चा हो रही है, इसकी संवादहीनता होती जा रही है, लोग आपस में बातचीत नहीं करते। हमारा बिहार करवाए के कुछ लड़के और रात्रि का समय संध्या काल में जब समय के लिए बैठ गए, वो लोग जो है बाहर ही बैठे हुए थे और इसी बीच में लाइट चली गई। बाद में वृत्ति करने आए तो हमने पूछा क्या कर रहे थे, कहते महाराज जी लाइट चली गई और अकेले हो गए डर करने लगा तो हमने जो है अपना अपना मोबाइल चला लिया। दो लोग हैं लेकिन दोनों की जो है आपस में बातचीत नहीं कर रहे, अपने अपने मोबाइल पर लगे हैं और मोबाइल पर चैट नहीं और कर रहे हैं। कैसी जो है दैनिकता जो है जीवन की हो गई है। आजकल कहते हैं व्यक्ति के रूप में कि जिंदगी क्या है, तो कहते हैं मोबाइल से बचा हुआ समय जिंदगी। और चैट पर जो है कैसी कैसी स्थितियां बन जाती है, पुत्र के मित्र ने लड़की बन करके अपने जो चाचा है कहना चाहिए अपने फ्रेंड का जो पिता है उसके लिए चैट करके लड़की बन करके और उसको जो है इतना प्रभावित कर दिया कि 8 लाख रुपए ठग लिए, और उसके बाद में उसने जो है उस लड़की के रूप में जहां पर बंदर के बात कर रहा था आपके मेरी तबीयत खराब है मरणासन स्थिति हो गई, तो उसकी बहन बनकर के फिर जो है दूसरी तरीके से जो है उसको वहां पर जो है इमोशनल ब्लैकमेल जिसको कहते हैं वो करने लगा, और उससे बहुत निकट जो है वो वृद्ध व्यक्ति 58 साल का उस लड़की के बहुत निकट आ। तो ऐसी जो है स्थितियां होती है कि जिसके माध्यम से लोग ठगे जाते हैं। संवादहीनता का जो है प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है, जहां लोग जब कभी देखो तो आपस में जो है बहुत सारे लोग जो बैठे होंगे लेकिन सब लोग अपने अपने मोबाइल पर लगे होंगे। अभी एक बेटी के रूप में पढ़ा था, बच्ची पूछती है मां से कि इसमें कंपनी वालों ने पूछा है कि आपकी पहचान क्या है, तो कहते बता दो हाथ में मोबाइल हमारी पहचान है मां बोलती, क्योंकि जब देखो जब जो है मोबाइल हाथ में ही है। एक ट्रेन में एक दादाजी अपने नातियों के लिए जो जिद कर रहे थे कहानी सुनाओ, उन्होंने कहा कि एक परुआ था, तो नाती सारे बोलने के अरे दादाजी पुरानी कथाएं हमको मालूम है, वो जो मटके में पत्थर डालेगा पानी पीलेगा। अरे नहीं 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 थोड़ी की कहानी तो सुना है लेकिन ये वही है और बच्चे सुनने लगे। तो कहा कि एक कौवा था वो
सभी घरों को जो है कंसल्टेंट का काम करवाता था, उनके लिए बतलाता था कि कहां किस खेत में जाकर के तुमको अन्न लेकर के आना है, जहां पर पक्षियों को भगाने के लिए उसमें बिजू का घर कर देते हैं, जो एक लकड़ी को कपड़े पहना करके चरागी बना करके खड़ा कर दिया जाता है, जिससे पक्षी डर करके भाग जाते हैं। तो वो जो है सब कौओं को बतलाता था कि कहां पर लकड़ी जो है बिजू का खड़ा हुआ है, उससे डरने की बात नहीं है। और ऐसा करते करते वो कौआ जो है पूरे जो है दुनिया का कंसल्टेंट, सबसे टॉप कंसल्टेंट बन गया। एक जो उसकी जब मृत्यु होने लगी, मरणासन्न था, उसने अपने नाम की पोतों को पास बुला करके कहा कि मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं जिससे मैंने ये सारी दुनिया पर राज किया है, तुम भी उस राज पर जो है अमल करके सबको जो है कंसल्टेंट का काम करके बहुत कमाई कर सकते। तो उस समय में बच्चे जो थे वो वहां पर पूछते, दादाजी आपको राज मालूम है? अरे हाँ, वो जो है ना कौआ था वो हमारा मित्र था, उसने हमको राज बतलाया। तो वो कहते हैं कि उसने बताया राज के रूप में कि जब कोई व्यक्ति वहां पर खेत में सुरक्षा के लिए होता है और जो बिजुगा होता है, उन लोगों में अंतर यह है कि जब कोई व्यक्ति खेत पर सुरक्षा के लिए होता है तो उसके हाथ में मोबाइल होता है और वो मोबाइल पर देखता रहता है, और बिजुगा होता है वो मोबाइल नहीं देखता है। ऐसा जानकर के जिस हाथ में मोबाइल नहीं हो वहां पर जाकर के तुम जो है अन्न आदि को ला सकते। जब ये कथा सुना रहा था तो सारे लोग वहां पर जो लोग सुनते सुनते उसमें इंटरेस्ट लेने लगे थे, और वहां पर सारे के सारे के लोगों के हाथ में मोबाइल थे और उन सबके जो है वहां पर चेहरे पर शर्म के भाव थे कि आज कैसी स्थिति हो गई है कि यहाँ पर भी जहां पर भी है वहां पर सब अपने हाथ में मोबाइल लेकर के बैठे। तो ये संवादहीनता तीसरा जो है कारण उसमें है स्नेहहीनता। आजकल लोग एक दूसरे के प्रति जो एक परिवार में स्नेह का भाव होता था, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीने लगे हैं, सब चीजों को जो है मशीन जैसा ट्रीट करने लगे हैं। आजकल धीरे धीरे किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, उसके उसके कारण में एक दूसरे के प्रति स्नेह का भी जो है अभाव होता जा रहा है, स्नेहहीनता भी उसमें कारण बनता जा रहा है। और चौथा कारण है संस्कारहीनता। संस्कारों की ऐसी जो है कमी होती जा रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे ऐसे गाने जो है गाते हुए दिख जाते हैं जिनके लिए सुनकर के जिनका हो सकता है उनको अपनी ना मालूम हो, लेकिन नई नई फिल्मों के ऐसे गाने सुनकर के वो अपनी संस्कार की गर्भता को वहां पर प्रकट करते हैं। एक बच्चा जो अपनी माँ और नानी नाना के साथ में जा रहा था, जब एक दूसरे लड़के को जिसका रिजर्वेशन था उससे उसने कहा कि यहां से हटो, उसने मना किया, तेरी 12 बजा दूंगा। जब ये शब्द मां के कानों में पड़े, आसपास के लोग हंसने लगे, तो उन्होंने कहा कि इसके दादा दादी का इग्नोर करना आती है, बहुत इसको बिगाड़ रखा है, दादा दादी ने बिगाड़ रखा। फिर वो जो है नाना को परेशान करने लगा, तो माँ ने फिर उसको समझाया, तो बच्चा फिर बोलता है कि घर चलो पापा को बताकर कि तुम्हारी 12 बजाऊंगा। फिर लोग जो है देखने लगे कि बच्चा कैसा कैसे बोल रहा है। तो उस समय में फिर उसने कहा कि इस स्कूल में पढ़ता है, वहां पर मेरे आनंद सिंह के आता हुआ, और हम जब उनके सर से कहते हैं गणेश सिंह कहते हैं, तो कहते हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहता होगा, घर पर ही सीख करके आता होगा। तो बच्चा फिर बोलता है कि मेरी शिकायत करके तो देखे मेरे टीचर और मैडम, मैं उनकी भी 12 बजा दू। ऐसे जो है संस्कार छोटे छोटे जो बच्चे मोबाइल और टेलीविजन के माध्यम से सीख रहे हैं वो संस्कार क्या है, संस्कारहीनता की दृष्टि जो है प्राप्त करते जा रहे हैं। इन मोबाइल टेलीविजन के माध्यम से कितनी जो है संस्कार की हीनता आ गई है कि
मुझे अकेले में डर लगता है रोने के लिए बुलाया हुआ, और मोबाइल पर जो है अकेला है, और उस समय में उसने देख करके ही जो है भावों में उसने गिरावट कर ली कि अपनी सगी मौसी के सिर का हरण करने का प्रयास करने, और उसने जब विद्रोह किया तो कैंची उठा करके उसके ऊपर वार कर दिया। ये जो है संस्कार की होली इन नेत्र इंद्रिय के साधनों के माध्यम से हो रही है। तो ऐसी जो है संस्कारहीनता जिसके माध्यम से आपके जो विषय है उनके माध्यम से जो है सब कुछ डूबते जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो राजा श्रीमद वर्ष ने कहा है कि केचा दश्यो, यानी कौन जो है लुटेरी है तो इंद्रिय के विषय डूबने वाले। जब राजा श्रेणी जिनको की पता पड़ा कि चंद्रप्रद्यो तो उज्जैनी के राजा उनके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, और राजा श्रेणी सोचते हैं कि इन युद्धों से कुछ भी लाभ नहीं होता, कितनी जनहानि होती है। अभय कुमार महामंत्री को बुलाकर के कहते हैं क्या इन युद्धों से बचा नहीं जा सकता। अभय कुमार कहते हैं कि ये तो पाए नाम का खेल है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही करो, युद्धों में बहुत हिंसा होती है, इससे अपने को बचना चाहिए। और उन्होंने कुछ सैनिकों को लेकर के जो टोकरी में स्वर्ण की मोहरे भरे हुए थे और उनके लिए जिस की संभावना थी, जहां पर आकर के शत्रु सेना अपना पड़ाव डालेगी, वहां पर उन्होंने जाकर के गड्ढे खोद करके उन्हें सोने की मोहरे भर दी और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। और जब चंद्रप्रद्योत अपनी सेना के साथ में उसके बहुत सारे छोटे राजा जो उसके आधीन थे उन सबको लेकर के उन्हें वहां पर आया, तो उस समय में अभय कुमार मंत्री ने उनको पत्र लिख करके भेजा कि आप हमारी माता चेना के रिश्ते में लगते हैं, क्योंकि चेना की बड़ी बहन शिवा देवी से चंद्रप्रद्योत का विवाह हुआ, तो आप हमारे रिश्ते में मौसा जी लगते हैं, और आप यहां पर जिनके साथ लेकर के आप यहां पर युद्ध करने आए हैं उन सबको राजा श्रेणी ने तोड़ दिया है, उन सबको बहुमानी रकम दी गई है, और वो सबको आपको बंदी बनाने के लिए यहां पर लेकर के आए हैं, और यदि आपको विश्वास ना हो तो आप उनके जहां पर निवास है वहां पर जाकर के खोल करके देख सकते हैं, उनकी जमीन वहां पर स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। जैसे ही सुना सैनिकों के साथ में जाकर के दो चार सामंतों की जमीन खोल करके देखी और वहां पर जैसे ही स्वर्ण मुद्राएं दिखी, तो उस समय में चंद्रप्रद्योत अपने घोड़े पर सवार होकर के और उज्जैनी के लिए वापसी उसने कर दी। बाकी सारे लोगों को खबर नहीं, बाकी सारे लोग भी जो है पीछे पीछे, जब राजा चला गया है तो पीछे की जो सामंत थे वो भी सब जाने लगे, और जब उनकी सेना जा रही है तब उस समय में उन्होंने आक्रमण करके उनकी सारी सामग्री जो युद्ध के लिए बहुत समय के लिए लगती है वो सारी सामग्री को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। जब उन सामंतों ने जाकर के वहां पर अपनी सफाई पेश की कि हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, हो ना हो ये अभय कुमार की चाल है, और जैसे ही चंद्रप्रद्योत राजा सुनता है उसको क्रोध आ जाता है, और उस समय में वो कहता है कि कोई है ऐसा इस सभा में जो अभय कुमार को बंदी बना करके लेकर गया है, और उस समय में एक घड़ी का श्री
स्वीकार करती है कि मैं उसको पकड़ करके ले करती हूँ। उसने सुन लिया कि वो धार्मिक है, तो उस बड़िका ने शादी का की जो क्रियाएं होती है उनको सीख करके और शादी का रूप बना करके संदेश करके यात्रा पर जाते समय में राजगृही में उसका रुकना हुआ और राजगृही में वो जहां किनारे में आराधना कर रही है। अभय कुमार ने सोचा कि क्या क्रियाए हैं, बड़े धार्मिक हैं, उनको निवेदन किया कि आप हमारे यहाँ पर भोजन करिए। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया, बाद में उन्होंने कहा कि आप ही हमारे यहाँ पर भोजन करने आइए और उस भोजन में कुछ नशे की चीज मिला करके अभय कुमार को बंदी बना करके कुछ नहीं लेकर के। जब चंद्र प्रद्योग के सामने लाया गया और जब उसने सुना कि एक रेशम के माध्यम से इस प्रकार से लाए गए हैं तो उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने वहां पर जो उसके प्रति क्रोध का भाव था उसको बंदी बना लिया और कुछ ऐसे संकट उस राष्ट्र पर आए जिसमें उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तो उस समय में अभय कुमार से ही उसने सलाह ली और उसके माध्यम से फिर उनको जो है मुक्त कर दिया। अभय कुमार ने उस समय में कहा कि आपने तो एक वैश्य के माध्यम से और धर्म के छल से मुझे पकड़ा था, लेकिन मैं आपको आपकी नगरी में दिन में बंदी बना करके ले जाऊंगा। ऐसा जो है वहां पर वो कह करके अभय कुमार चला गया। समय व्यतीत हुआ, चंद्र प्रद्योग उस बात को भूल गए और एक प्रवाल देश का एक सृष्टि बनकर के एक व्यक्ति वहां पर अपनी दो कन्याओं के साथ में व्यापार के लिए आया। राजा से उनका संबंध हुआ, राजा चंद्र प्रद्योग कन्याओं पर मोहित हो गए और उसने एक व्यक्ति जो कि राजा के जैसा दिखाई देता था उसको वहां पर खाट पर बांध करके और नगर में से बीच में से लेकर के जाते थे। वो कहता था मैं प्रद्योग हूँ, ये मुझे पकड़ करके ले जा रहे हैं। लोग पूछते थे क्या हो गया भैया कि ये पागल है, इसका इलाज चल रहा है यहाँ पर। ऐसे 8 दिन तक जो है नगर के बीच से जो है उसको बार बार ले जाते हुए वहां पर देखा और आखिरी दिन उन्होंने कन्याओं ने चंद्र प्रद्योग के लिए निमंत्रण दिया कि आप एकांत में आकर के हमसे मिले। तो वो जो है गुप्त रूप में वहां पर पहुंचे और उनको वहां पर कुछ तेल में मिला करके बेहोश किया और फिर दूसरे दिन खाट पर बांध करके उनको लेकर के जा रहे हैं। जब उनकी जो है बेहोशी टूटती है उस समय में देखते हैं कि मुझे बांध करके ले जा रहे हैं, चिल्लाते वहां पर मैं प्रद्योग को देखो मुझे पकड़ करके ले जा रहे हैं। लेकिन 8 दिन से वो जब रोड पे जाते थे तो पब्लिक ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो जब उनको पकड़ करके बांध करके जब राजगृही ले गए तो उस समय में अभय कुमार ने चंद्र प्रद्योग राजा से कहा कि हमने आपको नहीं बांधा है, आपकी जो विषयों की प्रति आसक्ति थी उसने आपको बांधा है। तो ये जो विषयों की आसक्ति है वो ही हमको बंदी बनाती है। इसीलिए राजर्षि अमोघ वर्ष ने इस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में जो विषय रखा है कि केच दर्शयो कौन जो है वो मेरे हैं, ये 5 इंद्रिय के विषय हैं जो हमें रूपते हैं, उनमें हमारी चेतना किस प्रकार से संस्कार विहीन होती जा रही है, जो है संवेदन विहीन होती जा रही है। इसलिए हमें विषयों के बारे में विचार करके उनका जो है चयन किस प्रकार से करें। एक माँ ने जो है बताया कि छोटा सा बच्चा मोबाइल के उसके चंगुल में आ गया था और जो उससे दूर करने के लिए उन्होंने स्वयं प्रयोग नहीं किया, बच्चे के साथ में खेलना प्रारंभ किया। थोड़े दिनों में उसकी जो मोबाइल के प्रति आकर्षण का भाव था वो दूर हो गया। तो माता पिता यदि बच्चों के लिए समय देंगे तो उसके माध्यम से ये जो मशीन है उनके लिए ज्यादा आकर्षित नहीं करेगी। ये भी एक साधन जो है लोग अपना सकते हैं।
तो इस प्रकार से सभी लोग जो कि विषयों के माध्यम से अपन अपनी चेतना को बुलाते हैं उससे बचने का प्रयास करें इसी भावना के साथ में। अक्षरपद माता से दूषित वचन अगर और चिंतित वस्तु